हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग पे। उससे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा पहला नमस्ते और छोटू को ढेर सारा आशीर्वाद। और मेरा नाम है आयशा कन्याल, मैं रहती हूँ उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में। तो आज की शुरुआत कर रही हूँ मैं लगभग 10 बजे के करीब से, नाश्ता पानी भी हो गया है और मैं सोले भी काट के घर आ गई हूँ क्योंकि अभी तक मुझे टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं आई हूँ अपने कमरे में और कमरे की हालत आप देख सकते हो। ये किया है मेरी बेटी ने, वहाँ बेड के ऊपर चढ़ करके वहाँ से वो निकाल लिया उसने। तो मैं अभी यहीं साफ़ करने के लिए आई हूँ, साथ में फ़ोन जो मतलब कल वाली वीडियो थी ना उसको एडिट करने के लिए, मतलब उसको लगाने के लिए डाउनलोडिंग पे। तो काम तो रोज का वही हुआ। और पता है हमारी गाय को ना वही वाली बीमारी आ गई है जो पहले बाहर देश मतलब शहरों में हुआ करती थी। तो आज हमारी लक्ष्मी भी बीमार पड़ी हुई है, मैं आपको अभी दिखाऊंगी क्योंकि उसके शरीर में ना छोटे छोटे दाने टाइप के निकल गए हैं। तो हमने डॉक्टर को फ़ोन तो किया है पर डॉक्टर कह रहा है कि मैं शाम को आऊँगा, आप दवाइयाँ ले जाना। तो हम शाम को दवाई लेने जाएंगे। उसके पूरे शरीर में बड़े बड़े चटल के नहीं होते मतलब वो दाने तो निकल गए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो गाइज मैं कपड़े भी लगा के आ गई हूँ, अब बनानी है मुझे चाय क्योंकि भाभी लोग आए हैं। तो मेरी भाभी नहीं, मेरी नंदी सास है क्योंकि उन्होंने मेरे हस्बैंड जी को अपना भाई बनाया है। पर मैं भाई भाई भाभी नहीं, भाभी बोलती मतलब नंदी सास नहीं बोलती हूँ। और मेरे पति देव भी भाभी ही बोलते हैं, क्या रिश्ता बना रखा है। और हम बिटोला भी देने जाते हैं उनको क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी भाई की शक्ल मेरे पति से मिलती है, तब जाके उन्होंने उनको भाई बना रखा है। तो बना लेती हूँ फटाफट से चाय और फिर है बहुत सारा काम, खाना भी बनाना है। पति देव लोग तो घर पे है नहीं, ना जीजा जी है ना वो है क्योंकि पूजा है ना, वो लोग वहीं गए हैं पूजा में चंडिका घाट मैया के वहाँ। और पूजा तो वहाँ तो सिर्फ मतलब पूजा करनी है, खाना पीना घर पे है और नहाना धोना भी है। अभी आप देख सकते हो मेरी हालत कैसी हुई है ना, मैंने बाल बना रखे हैं और जो ये दाने हैं ना ये तो बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। शायद कल या कल नहीं, कल तो संडे है, शायद मंडे या ट्यूजडे को मैं जाऊँगी बाजार दिखाने के लिए। तो बनाती हूँ फटाफट से चाय, मिलती हूँ आपको सीधे चाय पर। गाइस मैं आ गई हूँ अभी अपने सब्जी के खेत में और ये देख सकते हो हमारे टमाटर के पौधे जिस पे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टमाटर लगने लग गए हैं। पर ये देखिए इसको ना कीड़े ने खा दिया, ये देखो तो ये ख़राब हो गए हैं। तो जीजा जी तो लेके आए हैं वो, और मक्के भी बो रखे हैं हमने यहीं पर। और ये देख सकते हो इतने अच्छे अच्छे टमाटर हमारे उगे हैं खेत में और छत में भी हैं। तो और ये है पिनालू के पौधे, पिनालू भी पिछले साल थे ना इसमें पिनालू। और यहाँ पे मैंने बैंगन का पेड़ भी लगाया, साथ में है नींबू का पेड़, तो आम का पेड़ भी देख सकते हो आप, इसमें भी हमारे आम लग चुके हैं। देखिए इतने बड़े बड़े आम हो रहे हैं। और आप एक चीज़ हमेशा मेरे ब्लॉग पे गौर रखना कि हमारे वहाँ फूल कितने उगते हैं। और यह है अखरोट का पेड़, इस पर भी अखरोट लगे हुए हैं बहुत सारे हमारे, पर क्या करें बंदर खा देता है। सब्जियों का सीज़न भी आ गया है और ढेर सारी सब्जियों का सीज़न भी आ गया है। और मेरे मायके साइड को तो ना इतनी सारी सब्जियाँ हो रही है, भैया तो रोज़ क्या कहते हैं छोटी छोटी वीडियो बना करके मिलने बेचता है। और हमारा अंगूर का पेड़ जिस पे बेहिसाब जिसे हम कह सकते हैं इतने सारे अंगूर लगे हैं। और एक दूसरा भी है उस वाले पेड़ पे ना छोटी छोटी चिड़ियाओं के घोंसले भी हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने शिमला मिर्च के पेड़। तो ये है शिमला मिर्च के पेड़ जिस पे ढेर सारी शिमला मिर्च लगी हुई है, हमने घर पे ही जुगाड़ बना करके शिमला मिर्च के पेड़ लगाई है। और यहाँ पर हुई है राई के पत्ते, धनिया और चौलाई भी हुई है हमारी।
अच्छा है यार। आप बैग में मार के लगूना पड़ा ना। बाबा हो सरी लाइव तुम देखो इतना जानू हुआ हो। और ये है हाथी सुंडा। ये भीतर पत्ते है गोलजू पथरान खलचौने दूर इला हूं दूर यो पोच जाड़ो छाड़ दिल बचे। यह घरेलू दाल दलने वाली चक्की, इसको बोलते हैं दलनी। ये है हमारी दलनी और पीस लिए दीदी अभी इसमें दाल। और यह है हमारे नए वाले मसूर। देखो दाल इसमें डालते हैं, ख़त्म हो गया न? तो इस वाले छेद में डालते हैं, फिर इसको घुमाते हैं उस वाली लकड़ी से और ये ऐसे पीस जाती है। तो आज मैं बनाऊंगी मसूर की दाल। अब बनाते हैं दिन का खाना और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये है कूड़ा, कूड़ा ही बनते हैं शायद, कूड़ा ही है ये। और ये है दो कूड़े ही हैं शायद ये। इनमें बनता है जब कोई काज काम होता है ना, जैसे कि पूजा पाठ नामकरण शादी, तो इन पे बनता है चावल। और ये तांबे के बहुत बड़े बड़े होते हैं। और इस वाले किचन को तभी हमने इसीलिए छोड़ा है कि जैसे कि कुछ काज काम हो जाए तो हम ऐसे चूल्हे लगा करके खाना बना सकें। और कुछ थोड़ा हमने यहाँ पे सुधार किया है, यहाँ पे एक्सेस फैन भी हमने लगा लिया है और दो छोटे छोटे मतलब जो अलमारी टाइप के होते हैं वो भी छोड़ रखे हैं। और जो ये वाला है ना, इस एरिया को हम अब उखाड़ने वाले हैं, ये इस यहाँ से हट जाएगा। तो ये है हमारे कुएं। और अब बनाती हूँ खाना और खाई हूँ मैं साथ में कुल्फी। तो गाइज मैंने आग जला ली है और चूल्हे में चढ़ा लिया है कुकर। और आज मैं बनाने वाली हूँ ना एक नई किस्म की दाल। इस पर मैं तड़का पहले ही लगा लूँगी और तड़के के लिए डालूँगी हरा धुमार और लाल दो मिर्च जो मैंने आधी आधी कर रखी है, और उसमें चेरी टमाटो, पहाड़ों में इसको छरुआ टमाटर कहते हैं, बहुत लोग जानन यार यह है छरू टमाटर बनाने पर, यह चेरी वाली टमाटर होती है। और दाल मैंने भिगो करके पहले रख ली है और सारा मसाला यहाँ पे रख लिया है। तो मैं बनाती हूँ फटाफट दाल। आज मेरी बाबू को बुखार आया है ना, कितना आया बता दो, बहुत बुखार आया है, तभी नहीं नहीं भी नहीं किया है। नोजी भी आई है, नोजी चुबू, बहुत तबीयत खराब है, बोल दो। मेरी तबीयत बहुत खराब छू। आजकल मम्मी आपको क्या सिखा रही है, पहाड़ी बोलना ना। मैं ठीक छू। तीन का सौ उजू चीची, कौन सी हरकत हुई। ऐसे चटल के निकले हैं हमारी गाय के लक्ष्मी रुक। तो गाय आज हमारी बहुत तकलीफ में है, दूध तो निकाल लिया है मैंने थोड़ा बहुत, पर इसका दूध हम यूज में नहीं लाएंगे। और ये देख सकते हो आप, ऐसे टाइप के पूरे चटल के निकले हैं इसको। अभी तो थोड़ा कम हो गए हैं, यहाँ पर तो बहुत बड़ा निकल गया है। तानी शाम तक डॉक्टर आते हैं नहीं आते। और इसके ना थन में भी निकल गए हैं और गर्दन में भी बहुत सारे निकले पर दिख नहीं रहे। भगवान कैसे भी हमारी गाय ठीक हो जाए बस। और इसके बच्चे को भी हुए, इसके फेस में भी निकले। और बीमारी के असली जो लक्षण पाए जा रहे ना है इनके आंसू और ये चटल के टाइप की मतलब जो सूजन टाइप का गांड गांड बन जा रही है ना, तो यही है। बुझोलियो को तोड़ा लो हब, बुझोलियो को तोड़ा लो हब। गाइस हो चुकी है रात और सब्जी मेरी बन गई है, आटा भी लगा लिया है। वो देखो उसके शानू, अच्छा खोल, मैं खोल देती हूँ, मम्मा खोल देगी, ऐसे नहीं खुलता वो, रुको। ओहो मम्मा खोल देगी, क्या कर दिया लड़की ने, जल्दी आओ यहाँ, जल्दी आओ।
दीदी पहनती है। किसने कहा दीदी पहनती है? आपकी दीदी का है? देखो बड़ा हो रहा है ना आपके लिए। आ गए चप्पल। चलो कोई बात नहीं, टीवी वाले रूम में जाओ जाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? चलो जाओ। हाय कर दो। कैसे हो? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ। की करण था? की? मैं गोदी हूँ। उजू अलग गिर गए। आओ। मैं गोदी। तो बोलो। तो बोलो। लाइक करें। लाइक करें। शेयर करें। शेयर। सब्सक्राइब करें। लाइक करें। और? और? उजू दो घोल डाल दें। तू आई ना साले बीच में, गोद में नहीं आती तो नहीं होता ऐसा। तो गाइस हो गई है घटना, अब दूध नहीं गयो गोल, ये देख सकते हो सर। जैकू अब तू पी ले। तो आज मैं बना रही हूँ भात पे सब्जी, और मैंने बना रखी है दो प्रकार की सब्जी, एक है मट्ठे वाली और एक बनाई है सूखी सब्जी। जैक बोले ना खा दूध, दूध गर्म हो ले, खा ले। आप इधर को आओ, जल्दी आओ। हाँ तो गाइस आज का ब्लॉग अब यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको पसंद आए, तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक का बटन जरूर दबाएं प्लीज़। लाइक तो जरूर दबाएं। Good night.